फ्रेंड्स, दिस इज हितेश कुकरेजा फ्रॉम गुरुकुल फॉर्च्यूनर। सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ट्वेल्थ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो बेस्ट 20 स्कूल्स के लिए होती है, टॉप मोस्ट कॉलेजेस के लिए होती है, आईआईएम्स के लिए होती है, वो सारी एग्जाम्स आपकी ट्वेल्थ के जस्ट बाद होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बाद में एक महीना मिलता है। बट प्रॉब्लम की बात यह होती है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इनमें से जो टॉप 12 एग्जाम्स होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, उन सारी एग्जाम्स के बारे में डिटेल वीडियो बना के रखा है, बट कुछ एग्जाम्स के फॉर्म अभी आ जाते हैं। अब अभी कुछ कुछ बच्चे ट्वेल्थ की एग्जाम की तैयारी में इतने लगे हुए रहते हैं, इतने फोकस रहते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट उनके बहुत सारे एग्जाम की फॉर्म्स की डेट उनके हाथ से निकल जाती है। और जब उनको एग्जाम्स के बारे में पता चलता है कि ये एग्जाम्स हैं, तो उनको मालूम पड़ता है इस एग्जाम फॉर्म की तो डेट निकल गई। तो मैं चाहता हूं कि आपने ट्वेल्थ पे पूरा फोकस रहे, उसकी पूरी पढ़ाई करते रहे, बिकॉज बट ऑब्वियसली बात है ट्वेल्थ बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी फॉर्म्स आ चुके हैं। IIM अपनी खुद की इपमेट कंडक्ट कराता है और ये कम से कम 4 से 5 कॉलेज में होती है। IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जेपी जिपमेट होती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो बहुत सारे IIMs कराते हैं, लेकिन उसमें से IIM रोहतक जो 12th के बाद 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है, 3 इयर्स BBA एंड 2 इयर्स MBA, उसकी एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है, उसके एग्जाम फॉर्म लाइव हो चुके हैं। 6 फरवरी से उसके एग्जाम फॉर्म लाइव हो चुके हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, 5th ऑफ मार्च तक ये रहेंगे, उसके बाद ये फॉर्म आउट हो जाएंगे, फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो आप कॉम्पिटिशन बैठेंगे कैसे। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो टॉप 20 स्कूल्स में अगर मैं बात करूं, 5th नंबर पे आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर BBA इन फाइनेंस, BBA इन एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन सब के कोर्सेज होते हैं, जो बच्चों का बहुत फेवरेट कॉलेज होता है, उसके भी एग्जाम फॉर्म लाइव हो चुके हैं। अगर आप क्राइस्ट की साइट पर जाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन तो कब से स्टार्ट हो चुका है, जनवरी से उसके फॉर्म आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं अगेन टॉप 20 स्कूल्स की, तो टॉप 10 में सिम्बोसिस पुणे, वैसे सिम्बोसिस इंदौर में भी आ चुका है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन सिम्बोसिस पुणे के फॉर्म्स अगेन लाइव हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन 12th वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दें। सिम्बोसिस की डेट आ चुकी है, सिम्बोसिस फॉर्म भी लाइव हो चुके हैं, जिसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है सेट, सिम्बोसिस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की, तो नरसिंहमुंजी की तो एक एग्जाम, नरसिंहमुंजी मुंबई कि एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे 12th एस्पायरेंट्स में 12th के पहले ही एक लेवल ऑफ एग्जाम तो उनके दे चुके हैं, जो भी फरवरी में थी। उनका सेकंड राउंड के एग्जाम फॉर्म ओपनिंग होने वाले हैं 16 फरवरी से, इसकी प्रपोज डेट होगी मई में। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का कि अगर ऐसा कोई भी एग्जाम फॉर्म है जो आपको 12th के पहले भरना है, तो इसके लिए थोड़ा लाइव रहना पड़ेगा, थोड़ा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, थोड़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप में पोटेंशियल बहुत सारा हो, आप एक अच्छे कॉलेज की एंट्रेंस की तैयारी भी करें और आपके अंदर एक जुनून भी हो, बट अगर आपने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा तो आप उस पोजिशन के पहले ही आउट हो गए। इट्स लाइक आप मैच खेलने के पहले ही बाहर निकल गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लाइव रहिए, थोड़ा कनेक्टेड रहिए, और जिस जिस एग्जाम के फॉर्म आते जाएंगे, अगर इस बारे में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, एग्जाम फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए वो कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।